ऑलराइट गाइस, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं काफी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के बारे में। TCS, Mindtree, Wipro, Capgemini, Cognizant, सारी कंपनीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप 2023 पास आउट्स हैं या 2024 पास आउट्स हैं तो आप किस कंपनी से अभी हायरिंग्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, कौन सी कंपनीज हायरिंग निकालेंगी और हायरिंग अपडेट्स मैं आपको देने वाला हूँ सारी कंपनीज के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट और सबसे पहले आपकी चहेती कंपनी मतलब TCS के बारे में बात करेंगे। तो क्या TCS अभी हायर करने वाली है या TCS की तरफ से जो NQT आ रहा है वो वर्थ है, तो उसके बारे में सबसे पहले मैं बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले TCS अभी दो मोड में जाकर हायर कर रही है पर मंथ। पहला मोड है यहाँ पे TCS BPS और दूसरा मोड है यहाँ पे TCS NQT। तो सबसे पहले अगर दोनों मोड्स की बात करूँ तो यहाँ पे TCS BPS तब भी अभी रिलेवेंट है, बट उसमें BTEC और BSc कंप्यूटर साइंस वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ये लगभग हर एक से दो महीने में कंडक्ट कराया जा रहा है और BPS के थ्रू इंटरव्यू कॉल्स भी आ रहे हैं, इंटरव्यूज भी हो रहे हैं, तो BPS यहाँ अभी भी रिलेवेंट है। बट अगर मैं TCS NQT की बात करूँ तो क्या TCS NQT अभी रिलेवेंट रह गया है? देखो, TCS के NQT की बात करूँ तो पिछले सात महीने से TCS NQT का रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और जो 1% लोग होते हैं टॉप के, केवल उन्हीं लोगों को रिस्पांस आ पा रहा है। तो मेरी सजेशन तो यही रहेगी कि अगर TCS NQT की तरफ से हायरिंग आ रही है तो काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लेना, तभी परचेज करना अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप टॉप 1% में आ सकते हैं। बाकी TCS की तरफ से अभी कोई भी हायरिंग की एक्सपेक्टेशन नहीं है और यहाँ पे अपडेट्स खत्म होते हैं TCS के बारे में। अब हम बात करेंगे विप्रो के हायरिंग अपडेट्स के बारे में। तो देखो, विप्रो की तरफ से कौन कौन सी हायरिंग्स आने की आप उम्मीद कर सकते हो। सबसे पहले तो है प्रोजेक्ट इंजीनियर। तो अगर मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर की बात करूँ तो विप्रो हर साल प्रोजेक्ट इंजीनियर्स के लिए हायर करती है। अब एक्सपेक्टेड है कि इस साल अभी तक प्रोजेक्ट इंजीनियर्स की हायरिंग नहीं हुई है, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आने वाले एक से दो महीने में प्रोजेक्ट इंजीनियर की हायरिंग विप्रो की तरफ से निकाली जा सकती है। विप्रो के प्रोजेक्ट इंजीनियर्स के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। एक मास हायरिंग होती है जिसमें 2 से 2500 बच्चों की सिलेक्ट होने की उम्मीद है और लगभग 80 से 90 हज़ार एप्लीकेशंस पिछली साल आई थी, तो कॉम्पिटिशन ऑफकोर्स काफ़ी बड़ा होता है। बट विप्रो की तरफ से प्रोजेक्ट इंजीनियर की हायरिंग अभी आना पेंडिंग है, उम्मीद करते हैं अगले एक से दो महीने में वो देखने को मिलेंगी। बाकी अगर बात करूँ विप्रो विल्प की, तो विप्रो विल्प की ऑलरेडी हायरिंग्स हो चुकी हैं और उसकी हायरिंग से अब ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता भी नहीं है। तो अगर आप विप्रो से एक्सपेक्टेशन लगाए हैं तो 2023 और 2022 ये दोनों बैच वाले प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए सोच सकते हैं कि विप्रो की हायरिंग्स आने को बाकी हैं। कॉग्निजेंट की तरफ से ऐसा कुछ खास हायरिंग अपडेट्स नहीं है, बिकॉज कॉग्निजेंट की हायरिंग बिल्कुल ही फ्रीज चल रही है और कॉग्निजेंट से आपको एक्सपेक्टेशंस रखना कोई सही चीज़ नहीं रहेगी मेरे हिसाब से, बिकॉज कॉग्निजेंट की तरफ से हायरिंग्स नहीं आने वाली जितना मुझे लगता है। बट कॉग्निजेंट की तरफ से आप सर्विस डेस्क रोल में हायरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट उसका पे पैकेज काफ़ी कम होता है, लगभग 2.3 LPA से 3 LPA तक का रखता है। तो अगर आप चाहो तो सर्विस डेस्क रोल के लिए कॉग्निजेंट की ओपनिंग्स देख सकते हो और naukri.com पे बेसिकली आपको हायरिंग्स मिल जाएंगी। बट उसके अलावा कॉग्निजेंट की तरफ से जो आएंगी हायरिंग्स, मास हायरिंग्स नहीं आएंगी, मिनिमल हायरिंग्स आएंगी, कुछ ऐसी कुछ खास अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलने वाली हैं। कैपजेमिनी की तरफ से इस साल ऑलरेडी 2 हायरिंग्स निकाली जा चुकी है नेटवर्क इंजीनियर के लिए। क्या कैपजेमिनी और हायर कर सकती है फ्यूचर में? देखो, कैपजेमिनी की तरफ से उम्मीद ऐसी लगाई जा सकती है कि अब जो हायरिंग्स आएगी अगले 3 से 4 महीने में वो आने वाली है 2024 बैच के लिए। 2023 बैच के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कैपजेमिनी की तरफ से आपको हायरिंग अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर आएगी तो कैपजेमिनी के रिक्रूटर्स आजकल naukri.com के थ्रू काफ़ी अप्रोच कर रहे हैं, तो आप चाहो तो अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो naukri.com के ऊपर और उम्मीद है अगर वो लोग हायर करते हैं तो आपको डायरेक्टली वहां से कॉन्टेक्ट किया जाएगा। अदर देन दैट, कैपजेमिनी से अभी हायरिंग्स आने के चांसेस कम हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं एटॉस के बारे में। तो एटॉस की तरफ से जो मेनली हायरिंग्स आती हैं वो आती हैं नवंबर दिसंबर के बीच में। एटॉस की तरफ से एक हायरिंग ऑलरेडी आ चुकी है इस बैच के लिए और आप ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2023 बैच के लिए एटॉस की तरफ से हायरिंग अराउंड नवंबर दिसंबर आ सकती हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर आप चाहो तो एटॉस के लिए एक आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि एटॉस से हायरिंग आएगी और वो बेसिक रोल के लिए आएगी इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर। बात करते हैं यहाँ पे अब इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस की तरफ से एक शॉकिंग चीज़ है, वो शॉकिंग चीज़ क्या है? पहली चीज़ तो इन्फोसिस की तरफ से कोई मास हायरिंग तो नहीं निकाली गई है, बट इन्फोसिस क्या कर रहा है ना, अगर आप लोगों ने उनकी करियर पोर्टल पे ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है और अगर आप अप्लाई करते हो तो 3 से 4 महीने बाद अगर उनकी कोई रिक्वायरमेंट निकलती है तो शॉर्ट लिस्टिंग के बेस पे 3 से 4 महीने बाद वो लोग आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो इन्फोसिस के करियर पोर्टल पे अकाउंट जरूर बना लेना और अपडेट रहना, उसमें अप्लाई करते रहना। कोई मास हायरिंग तो नहीं आती, बट जो सिस्टम इंजीनियर करके हायरिंग आती है अगर उसमें जो 0 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस लिखा है तो आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हो।
अगर मैं मास हायरिंग की बात करूं तो इन्फोसिस की तरफ से कोई मास हायरिंग ऐसी कुछ खास आने की इस साल अब उम्मीद है नहीं, क्योंकि पिछली साल भी इवन इन्फोसिस ने ऑफ कैंपस में कोई ऐसा मास हायरिंग नहीं हायर किया था, एसपी डीएसपी रोल के लिए हायर किया था, तो उसके लिए तो अलग से हायरिंग अपडेट आएगा, तो वो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो बात हो गई यहाँ पर इन्फोसिस की खत्म, बात करते हैं एलटीएम एंट्री की। तो क्या एलटीएम एंट्री हायर कर सकती है इन फ्यूचर? तो एलटीएम एंट्री की ऑलरेडी कंडीशन थोड़ी ख़राब चल रही है और उससे हायरिंग निकाले जाने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा कम है, तो एलटीएम एंट्री से आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रख ना, उनकी तरफ से ज्यादातर एक्सपीरियंस लोगों को ही हायर किया जा रहा है, बहुत कम हायरिंग लिमिट में करी जा रही है। बात करते हैं एक्सेंचर की, तो एक्सेंचर की तरफ से तो ऑलरेडी हायरिंग काफी बड़ी अभी चल रही है, अगले महीने तक ये हायरिंग कंटिन्यू होने की उम्मीदें हैं, बट उसके बाद एक्सेंचर की तरफ से आप सिस्टम एंड सर्विस एसोसिएट की भी हायरिंग्स एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल के लिए, क्योंकि पिछली साल एक अच्छे नंबर ऑफ अमाउंट एम्प्लॉयज़ को एक्सेंचर ने ले ऑफ किया था, और इस साल अभी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो लोग दोबारा से हायरिंग स्टार्ट कर दिए हैं, और सिस्टम एंड सर्विस एसोसिएट की आपको पोजीशन फ्यूचर में देखने को एक्सेंचर की तरफ से मिल सकती हैं। बाकी एक्सेंचर का हैक डीवा भी हुआ था, तो उसके थ्रू काफ़ी सारी लड़कियों को भी एक्सेंचर ने हायर किया था, तो एक्सेंचर की तरफ से तो फ्यूचर अभी थोड़ा सा ग्रीन रहने वाला है। बाकी अगर और कंपनीज़ के बारे में बात करूँ तो ईवाई और डिलॉयट का अपडेट, डिलॉयट का अपडेट आएगा अब सीधे नेक्स्ट साल के अप्रैल में, जिसमें 2024 बैच एलिजिबल होगा और 2023 बैच वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बात करूँ ईवाई की, तो देखो ईवाई के लिए एक अच्छी खबर है कि एक से दो महीने में एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हायरिंग्स आने की उम्मीदें हैं, क्योंकि जनरली इसी मंथ में एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए EY ऑफ कैंपस में मास हायरिंग्स करती है, तो ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि जब उनका बेसिकली इंक्रीमेंट लगता है तो इंक्रीमेंट के एक महीने पहले वो हायर करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इंक्रीमेंट के बाद काफी लोग छोड़ के जाने वाले हैं कंपनी को, तो इंक्रीमेंट के एक महीने पहले हायर करते हैं, तो अगस्त आप समझ सकते हो अगस्त में हायरिंग निकल सकती है, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मास हायरिंग्स होती हैं, तो EY से आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो, क्योंकि इस साल अभी तक एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए एक हायरिंग EY ने केवल निकाली थी, और अभी वैसे उनके कैरियर पिच पे आई भी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हायरिंग, जिसका मैंने अपडेट दिया था। तो यही है अभी सारे अपडेट, मैं टाइम टाइम पर आपको कंपनीज के अपडेट देता रहूंगा कि आप किस कंपनी से क्या एक्सपेक्ट फ्यूचर में कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।